हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं SBI के एक न्यूली लॉन्च्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है और इसका नाम है कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड। तो जानेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड इतना ज़्यादा चर्चे में क्यों है और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स, समझते हैं इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक सिस्टम को, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड इतना ज़्यादा पॉपुलर सिर्फ इसके कैशबैक की वजह से ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में आपको मिलते हैं कैशबैक। तो आइए हम समझते हैं कि कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड में आपको कितना कैशबैक मिलता है और कैसे कैशबैक मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड्स करते हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा, वो भी बिना किसी मर्चेंट रिस्ट्रिक्शंस के। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर अमेजोन पे करेंगे ट्रांजेक्शन तभी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, या फिर फ्लिपकार्ट पे करेंगे या मिंत्रा पे करेंगे तभी आपको 5% कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप जो है फ्लिपकार्ट पे करिए, चाहे अमेजोन पे करिए, चाहे मिंत्रा पे करिए, कहीं पे भी करिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आपको 5% कैशबैक मिलेगा। लेकिन ये आपको जो 5% कैशबैक मिलेगा ये पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। फिर भी ये 10,000 रुपये का कैशबैक वो भी पर स्टेटमेंट साइकिल में, यानी कि पर मंथ में, बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा स्पेंड कर लेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से कि आप जो ये 10,000 रुपये तक की लिमिट को क्रॉस कर पाएँ। बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये का कैशबैक बहुत ज़्यादा होता है, और फिर भी किसी ने अगर एक ही स्टेटमेंट साइकिल के अंदर 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैशबैक जो है क्रॉस कर लिया है, तो फिर उसको ऐसा नहीं कि कैशबैक नहीं मिलेगा, उसको फिर 1% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करने पे और ऑफलाइन स्पेंड्स करने पे आपको 1% कैशबैक मिलेगा। याद रहे कि चाहे आप ऑनलाइन यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करें या फिर ऑफलाइन यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करें, आपको 1% कैशबैक मिलेगा। और साथ ही साथ जो आप दूसरे ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि आप स्टोर में जाकर पेमेंट वगैरह करते हैं, तो सारे इस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए जो ऑफलाइन होते हैं 1% आपको कैशबैक मिलेगा, और यहाँ पर इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, जैसे कि रेंट पेमेंट्स, फ्यूल स्पेंड्स, जो आप अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेस करते हैं, वॉलेट लोड्स, जो आप डिजिटल वॉलेट में पैसे ऐड करते हैं, मर्चेंट EMIs, जो आप EMI कराते हैं तो EMI के लिए जो पेमेंट होता है, इस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। इसके अलावा कैश एडवांसेस, जैसे कि आप जा करके अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लें, यानी कि कैश निकाल लें ATM से, तो उसके लिए आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। या फिर बैलेंस ट्रांसफ़र करें अपने क्रेडिट कार्ड से, या फिर इन कैश करें, या फिर फ्लेक्सी पे करें, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाता है। और ये जो आपको कैशबैक मिलता है ये डायरेक्टली आपके SBI के क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में ही एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये खर्च किए ऑनलाइन, तो फिर अगर आपको 5% कैशबैक मिला, तो जो 5% आपको कैशबैक, यानी कि 250 रुपये कैशबैक मिला है, वो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में ही एडजस्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये खर्च किए हैं, उस पर 5% कैशबैक मिला हुआ क्योंकि आपने ऑनलाइन स्पेंड किया था, तो जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा तो 5,000 रुपये में से 250 रुपये उसमें माइनस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 5,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होना था लेकिन आपको 250 रुपये का कैशबैक मिल गया, तो उसमें से माइनस होकर के 4,750 रुपये का फिर बिल जनरेट होगा। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली ही कैशबैक मिलता है। और आपको फ्यूल ट्रांजेक्शन पे, जो आप फ्यूल परचेस करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, कैशबैक नहीं मिलता उस पर, लेकिन आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर ज़रूर मिलेगा, जो कि मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 3,000 रुपये के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर मिलेगा। और आपको साल भर में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, जो कि आपको पर क्वार्टर यानी हर तिमाही में एक बार मिलेगा। और अब आइए जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी ही चाहिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल हो सकती है, और जो सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया रहने वाला है जो SBI के अदर क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करने के लिए होता है, और आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया भी दे दिया है। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, पूरा करते हैं, तो ऐसे में आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको SBI कार्ड, यानी कि जो SBI के क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट है, उस पर विजिट करना होगा और आपको वहाँ पे ये कार्ड देखने को मिलेगा, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है और अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके, जैसे आप SBI के दूसरे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं वैसे आप जो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं।
बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ईजी प्रोसेस है। और अब आइए जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, यानी कि फर्स्ट ईयर फ़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे जो फ़ी ली जाएगी वो सेकेंड ईयर से ली जाएगी, जिसको हम सालाना फ़ी कहते हैं। तो वो दूसरे साल से आपसे ली जाएगी, जो कि 999 रुपये प्लस GST है। लेकिन अगर आपने साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, तो फिर जो रिन्यूअल फ़ी होती है, यानी कि जो सालाना फ़ी होती है, माफ़ कर दी जाती है। माफ़ करने का मतलब है कि रिवर्स कर दी जाती है, आपको वापस कर दी जाती है। कैश एडवांस फ़ी, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं, तो ऐसे में हमसे ये कैश एडवांस फ़ी ली जाती है, जो कि 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, जितना हम कैश निकालेंगे उसी के 2.5% यानी 2.5% ये फ़ी होने वाली है। लेकिन ये फ़ी कम से कम हमसे 500 रुपये की ली जाएगी। मान लीजिए कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं और उस पर 2.5% कैलकुलेट किया जाए और वो 500 रुपये से कम हो, तो फिर ऐसे में हमें कम से कम 500 रुपये की फ़ी देनी होगी। अगर 2.5% 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ऐसे में 2.5% यानी 2.5% हमसे फ़ी ली जाएगी। इसी तरह से कैश पेमेंट फ़ी भी हमसे ली जाती है, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, यानी कि ब्रांच विजिट करके हम क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं कैश दे करके, तो फिर ऐसे में ये हमसे फ़ी ली जाएगी, जो कि 250 रुपीज़ प्लस GST यानी 250 रुपये प्लस GST है। तो अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन खुद से ही कर दें, तो ऐसे में हमसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी। लेट पेमेंट चार्जेस 400 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकता है, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, जो मिनिमम अमाउंट ड्यू वो भी पे नहीं करते हैं ड्यू डेट से पहले, तो फिर ऐसे में हमसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है, जो कि 400 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा जो टोटल अमाउंट ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हमसे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा पेमेंट डिसऑनर होने पे, यानी कि पेमेंट फेल होने पे, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के लिए ऑटो डेबिट मोड ऑन कर रखा है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से ही ऑटोमेटिकली हो जाए, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ, आपके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं थे, फेल हो गया, तो फिर ऐसे में आपको जो चार्ज देना पड़ेगा, फ़ी देना पड़ेगा, वो 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट, जितना पेमेंट होना उसी के 2% आपसे जो है फ़ी ली जाएगी, जिसमें कि कम से कम 500 रुपये की फ़ी आपसे ली जाएगी। इसके अलावा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी 3.5% यानी 3.5%, अगर हम किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसे में हमसे ये फ़ी ली जाती है। फाइनेंस चार्जेस, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, तो हमसे फाइनेंस चार्ज या फिर इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है, जो कि 3.50% यानी 3.5% है पर मंथ, और पर एनम यानी कि सालाना 42% यानी कि 42% है। और ये हमसे तब भी लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि पैसे निकाल लेते हैं। और याद रखें, कैश निकालने के लिए हमसे 2.5% की फ़ी भी ली जाती है, जो कि कम से कम 500 रुपये होती है, तो इंटरेस्ट तो होता ही होता है, उसके लिए अलग से फ़ी भी ली जाती है। ओवर लिमिट चार्ज 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट है, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो ऐसे में हमसे ये ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है, जो कि 2.5% है, जितना भी हम स्पेंड करेंगे उसी के 2.5%, मतलब ओवर लिमिट स्पेंड करेंगे। अगर 1 लाख रुपये क्रेडिट लिमिट है और हमें 1,05,000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो तब हमसे जो है ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है 5,000 रुपये पे। ये मैंने एग्जांपल से दिया था, तो जितना भी आप ओवर लिमिट स्पेंड करेंगे उसी के जो है 2.5% आपसे जोड़ करके फ़ी ली जाएगी या फिर चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम हमें 600 रुपये चार्ज देना ही होगा। तो दोस्तों, ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, कि ये क्रेडिट कार्ड है कैसा। तो नो डाउट ये क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। अगर आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जो ऑलराउंडर हो, जिसको आप कहते हैं ना बेस्ट क्रेडिट कार्ड, तो ये उस कैटेगरी में आएगा, ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड से आप कहीं पर भी ट्रांजेक्शन करें ऑनलाइन, आपको 5% कैशबैक मिलना ही मिलना है। हाँ, बिल पेमेंट्स को छोड़ करके, जो यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि उन पर 1% मिलेगा। तो बाकी जो दूसरे ट्रांजेक्शन, जैसे शॉपिंग वगैरह, कोई भी यहाँ पे मर्चेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं से भी आप शॉपिंग करें तो 5% आपको कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा ऑफलाइन भी अगर आप शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजेक्शन उससे करते हैं, तब भी 1% कैशबैक मिलेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड नो डाउट आप कह सकते हैं कि हर कैटेगरी में बेस्ट क्रेडिट कार्ड साबित होगा। तो आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको नहीं पता हो इस क्रेडिट कार्ड के बारे में उनको भी जानकारी हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब अब तक ना किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।